बाल बुन के जाना पड़ेगा। हाँ हाँ हो गया हो गया, चलो चलो फटाफट। आज डिवोर्स की पेशी में फाइनली महाशय जी कोर्ट में आए हैं, फुल तैयार होके, सूट बूट बैग एकदम मस्त तैयार होके आए हैं, जैसे मान के चलिए आज इनको डिवोर्स मिल जाएगी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरा कोर्ट में डिवोर्स का पेशी है, तो आज मैं जाने वाली हूँ। पिछले 3 या 4 पेशी में, डिवोर्स के पेशी में मेरे हस्बैंड नहीं आए थे और मैं कंटिन्यू जा ही रही थी। डिवोर्स का पेशी लगाया वो है और वो ही नहीं आता है, तो आज मैं भी जा रही हूँ। और इसके ठीक 2 दिन पहले बच्चे की कस्टडी का पेशी था, जो भी मेरा हस्बैंड ने लगाया हुआ था ऋषि को लेने के लिए अपने पास। और आज डिवोर्स की पेशी है, जाके देखती हूँ इस बार भी वो आता है कि नहीं आता है। तो बच्चे की कस्टडी जब से लगाया वो तो आता नहीं है। डिवोर्स की पेशी में एक बार आया था, और फर्स्ट बार जब उसने लगाया था, बस एक ही बार काउंसलिंग हुई थी। उसके बाद जो 2 और काउंसलिंग थी उसमें वो आया नहीं था। उसके बाद थर्ड वाली जो नॉर्मल पेशी थी उसमें भी नहीं आया था। अब जाके देखती हूँ आता है कि नहीं आता है, और मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब पेशी का डेट उसकी जो लॉयर ले रही थी तो वो शनिवार को ली, तो मैं बोली शनिवार को नहीं हो सकता क्योंकि मैं घर जा सकती हूँ करके। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपके लिए फ़ायदा है, शनिवार है, छुट्टी का दिन है ना, शनिवार रविवार तो वो आ सकता है ऐसा वैसा करके। तो मैं बोली नहीं मुझे नहीं, आपके लिए फ़ायदा है ना, वो आएगा तो मैं चलो ठीक है शनिवार को ले लेती हूँ, क्या दिक्कत है करके। तो शनिवार को ली हूँ, और जिस कारण से मैं घर में भी नहीं गई। होली का टाइम है अभी, तो जाकर देखते हैं महाशय जी आए हैं कि नहीं आए हैं, जाके पता चलेगा। तो आज शनिवार है, आज मतलब हाफ डे रहता है 2 बजे तक, उसके बाद कोर्ट बंद हो जाती है। और सेकेंड या थर्ड सैटरडे को तो कोर्ट बंद ही रहती, चालू नहीं होती है। तो अभी जा रही हूँ मैं, जाओ बेटा अंदर जाओ। तो जो रिशु है उसको लेके नहीं जाएंगे हम लोग, मैं मेरी बहन जाएंगे, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। और बच्चा को लेके इतना दूर जाना, 10 किलोमीटर तो यहाँ से है, 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, गर्मी, फिर मतलब थोड़ा सा कंजस्टेड भी हो जाता है। तो प्रियंका के पास उसको रख के जा रहे हैं, ना बोल रही है। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं, फिर देखते जाके आएगा कि नहीं आता, क्या होता है, मैं सारा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तुम टोपी क्यों पहनोगे? तुम डांस करना था दीदी के साथ? अभी मैं आप लोग से जो बोली वो सारा चीज समझ चुकी है कि मम्मा नहीं लेगी, इसलिए क्या है 2 साल की है, सारा चीज समझ लेती है भाई, हिंदी तो पूरा समझ लेती है, बोलती भी पूरा हिंदी है, बंगाली नहीं आता, बोलती भी नहीं है। अब मैं धीरे धीरे निकलती हूँ, नहीं तो उसको चुप चुप के निकलना पड़ेगा। मम्मा देखो तुम प्रियंका जी डांस कर ली, जाओ। प्रियंका के साथ जीशु को नीचे भेज दी हूँ, और धूप बहुत तेज है, गर्मी है, हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर का गर्मी ना चुभती ही जलती गर्मी वाला है। तो हाथ मुँह अच्छे से बांध के जाना पड़ेगा। मैं एक दिन बस सामान लाने गई थी, मेरे पैरों में पूरा चप्पल का निशान पड़ गया है, चप्पल का डिजाइन पैरों में आ चुका मेरा, तो बांध बुन के जाना पड़ेगा। हाँ हाँ हो गया हो गया, चलो चलो फटाफट, लेट नहीं करना है, बाहर जाके इसका अच्छे से बांध दूंगी। गॉगल्स भी लेना है, बैग तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बैग में मेरे सबूत है, साड़ी सबूत है। पैसा तो कुछ पकड़ लेती हूँ, आते आते कुछ इशू के लिए फल फ्रूट लेके आ जाऊँगी, क्योंकि अभी होली का टाइम है ना, तो 2-3 दिन सब बंद ही रहेगा। एप्पल एक ही है, और अंगूर अंगूर केला वगैरह कुछ है नहीं, सब ली हूँ ना। चलो चल चल चल, बात हो रहा है, हो गई ना तैयार। मैं एक तो गॉगल्स खरीदी थी, पता नहीं मेरे गॉगल्स को किसकी नजर लग गई, पूरा स्क्रैच पड़ गया। गॉगल्स था ही 150 रुपए का, तो स्क्रैच तो पड़ना ही है। पता नहीं कब थोड़ा अच्छा वाला गॉगल्स ले पाऊंगी, 500-600 का महंगा वाला, 150-200 का गॉगल्स जो रास्ते में मिलते हैं ना, वही खरीदी थी, स्क्रैच पड़ गया। कितना सुंदर गॉगल से देखो, तो पूरा स्क्रैच पड़ गया। चलो निकलते हैं, होप सो कोर्ट में सब चीज अच्छी ही हो। चलो फिर कल संडे है, कल मैं लाइव आऊंगी 12 बजे के आसपास, कपड़ा लेके रिशु को रख के निकली। यहाँ पे तो लोग आज से होली खेलना शुरू कर दिए,
फिर कोर्ट जाती, मैं कोर्ट जाती हूँ ना, मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है। अभी इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था बाहर, गर्म गर्म हवा चल रहा था और सारा जगह लोग होली का शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, होली का शॉप वगैरह लगा हुआ था। हम लोग तो होली में घर जाने वाले थे, बस इस कोट के चलते हम लोग घर नहीं जा पाए। मतलब दो दिन अल्टरनेट डेज पे पेशी पड़ गए, एक बच्चे की कस्टडी वाला और एक डिवोर्स वाला। और कल, मतलब कल 24 तारीख है, कल कैसे जाएंगे बताएं, बहुत भीड़ रहता है। तो फाइनली मैं कोर्ट में पहुंच चुकी हूँ और आज कोर्ट भी बहुत खाली खाली था, गाड़ी रखने के लिए सामने जगह मिल गया, तो गाड़ी हम लोग पीछे रखते थे और मतलब वकीलों भी बहुत कम ही दिख रहे थे। तो चलिए जाके देखते हैं आज कोर्ट में क्या होता है। यहाँ पे तो फिलहाल कुछ फोटोकॉपी वगैरह करवा रही हूँ, 20 पन्ने का कुछ रिप्लाई था मेरा डिवोर्स में, तो फोटोकॉपी वगैरह करवाई, फिर अंदर भी गई हुई थी। अब मैं आप लोग को सीधा घर जाके बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके पापा श्री आए थे कि नहीं आए थे, सारा चीज़ आप लोग को बताऊंगी क्या क्या हुआ है। आज मैं गई हुई थी कोर्ट और आज इसके परम पूजनीय, मतलब जितना भी इनका सादर सत्कार, जितना भी इनका सत्कार करो, इनके बारे में अच्छी बातें बोलो, सारा कम है, क्योंकि इतने अच्छे गुण सर्वगुण संपन्न हैं, इतने अच्छी इनकी हर चीज़ें हैं, बातें हैं, क्वालिटी में क्या बोलूँ। हताश है, उदास है, खुशी से आराम से बस दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया है, अपना फेस छुपा के यहाँ पे आया हुआ है चोर टाइप से ये इंसान। आप लोगों को सब चीज़ें बताऊँगी। और कल मैं लाइव आई हुई थी तो ये अभी फेक फेक नाम बना के, फेक फेक अपना आईडी बना के मेरे लाइव सेशन को देखता है, वहाँ पे कमेंट करता है। कल कुछ मोहम्मद बेरुख या बेरुहा ऐसा कुछ नाम से कुछ बना के आया हुआ था और वहाँ पे लेक्चर दे रहा था मेरे लाइव सेशन में, कुछ कुछ बोल रहा था, मतलब अच्छा हुआ पास साल वास साल क्या करते हैं ऑप्शन बोल रहा था, सबको समझ में आ गया था कि वो कौन है, वो फिशी है, सबको समझ में आ गया था। तो मैं तो खैर कमेंट्स वगैरह में ध्यान नहीं देती, मेरा खुद का लाइव सेशन में मैं खुद अपना जो सामान वगैरह है, साड़ी वगैरह है, कुर्ता वगैरह, वही सारा चीज़ मैं दिखाती हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्लिप जोड़ दूँगी, इसके पिताश्री जी आए हुए थे, ये चाह रही थी कि मैं उसको बोलूँ कि तू मेरे भी नंबर रिपोर्ट क्यों मारता है, किस बेस्ड रिपोर्ट मारता, तेरे को नहीं रहना, मत रहा, बेटी से प्यार नहीं है, अटैचमेंट नहीं, मोह नहीं, कोई बात नहीं, तो रिपोर्ट क्यों मारता है भाई, तेरे को इतना जलन तेरे को क्यों होता है भाई, भाई 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 क्यों इतना जलता है तू मेरे से कि तू मेरी वीडियो में रिपोर्ट मार देता है। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, आप मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और वो सीधा एंटर कर रहा था, सूट बूट सस सवर के एकदम, और एक तो उसने बाबा की तरह इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी बना लिया है, इतना बड़ा बड़ा, 5 साल में मैंने कभी भी उसको दाढ़ी में नहीं देखा, 5 साल हमेशा क्लीन शेव रखता था, एकदम वो मूछ और दाढ़ी पूरा क्लीन रखता था, एकदम स्मार्ट बन के रहता था, अभी इतना बड़ा दाढ़ी मूछ वूछ ऐसा ऐसा बना लिया है ताकि वो उसको पहचान मत पाए, क्योंकि जब मेरी वीडियो एक हुई थी वायरल, 3.2 मिलियन में गई हुई थी, तो वीडियो में मैंने उसका बहुत सारा फोटोज डाला था जिसमें एकदम क्लीन शेप था उस दाढ़ी मत, और कोरोना तो अभी है नहीं, और वो इकलौता ऐसा था कोर्ट में, मान लो 5 लोग होंगे, वो इकलौता ऐसा था जो मास्क पहन के आया हुआ था। बोलते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका एक कहावत नहीं है, तो उसका भी सेम वही हर्ष था, वो अकेले ही मास्क पहन के आया हुआ था, जैसे मानो कोरोना अभी भी है यहाँ पे। तो क्या आप लोग को बोलूँ, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा लगा क्या देख ली, ऐसा लगा किसको देख ली, और लगा क्यों देख ली। हम लोग बैठे थे, वो आया सीधा एंटर किया, खड़ा था अपने सर मैम के साथ बात वगैरह कर रहा था, सीधा अंदर घुसा, फिर साइन वगैरह किया, फिर सीधा निकल गया। तो एक बात बताओ, जब वहाँ पे काउंसलिंग की बात, मतलब क्या हुआ ना कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हमारी पहली काउंसलिंग हुई थी और 2 काउंसलिंग अभी भी बची हुई है, 2 काउंसलिंग हुई नहीं है, डिवोर्स होने से टोटल 3 काउंसलिंग होता है, उसके बाद मतलब आगे का प्रोसीजर वगैरह होता है। तो वहाँ पे बोला गया था कि काउंसलिंग के लिए, तो उसको काउंसलिंग नहीं करना, अरे भाई जब तुमको काउंसलिंग करना नहीं तो तुम डिवोर्स का क्यों लगाए हो, डिवोर्स का जब लगाए हो काउंसलिंग करो, बात करो, शॉर्ट आउट करो, ख़त्म करो, जो करना है करो, तुम डिवोर्स क्यों लगाए, इसलिए तुमने डिवोर्स लगाया ना कि तुमको नहीं रहना है, तुमको दूसरी शादी करनी है, तुमको अपना जिंदगी जीवन यापन करना है, स्वर्ग बनाना है, परिवार बनाना है, बच्चे बनाना है, तभी तुमने डिवोर्स से अप्लाई किया ना, ताकि तुम डिवोर्स अप्लाई करो, तुमको डिवोर्स मिल जाए और तुम हंसी खुशी अपनी जिंदगी अपने आगे बढ़ो, है ना। तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है काउंसलिंग, उसमें वो आ नहीं रहा है, पहला काउंसलिंग किया, दूसरा मैंने नहीं किया, वो आया क्योंकि वो इसके पहले 3 पेशी में आया नहीं था, तो उसको आना पड़ेगा, वो आया, साइन किया, निकल गया। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं उसको पीछे से बुला हुआ, तो मेरे वीडियो में रिपोर्ट क्यों बांटता है, ऐसा सर के देखता है ऐसा टेरा टेरा आप करके, क्यों सीधी आंखों से तेरे को मैं दिख नहीं रही हूँ क्या, तेरे सामने खड़ी तो अपनी सीधी आंखों से देख मेरे को ऐसा करके,
ये ऐसा करके देखने का क्या मतलब होता है, हाँ, और जब निकल रही हो तो ऐसा ऐसा करके देखने का क्या मतलब होता है, सीधा ऐसा देखना, जैसे मैं तेरे को देखी सीधा ऐसा एकदम डंकी की चोट पे तेरे को देखी, तू भी मेरे को देखा। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि डिवोर्स का डेट मेरे को एक हफ्ते बाद मिला है, पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं एक चीज़ हमेशा नोटिस की हूँ कि मतलब मैं बोल रही हूँ, मतलब उसका जो लॉयर है वो जो डेट बोलता है हमें यही डेट चाहिए, सामने वाला जो बाबू रहता है वही डेट देता है, और हम लोग जो बोलते हैं हमें ये डेट चाहिए, हाँ, हमको वो डेट मिलता ही नहीं है, क्यों समझ भी नहीं आता भाई। मतलब ये एकदम चमत्कार हो चुका है कि अभी मैं पिछले 3 साल से जा रही, मैं जानती हूँ हम लोग इतना इंसिस्ट करते हैं बाबू को जो बैठा रहता है कि भैया आप इतना दूर का डेट मत दो, पास का डेट दो करके, पास का डेट दे, वो देता ही नहीं है। उसका वकील आती है आके बोलते हैं हमको अमुक तरह का डेट चाहिए, अमुक तरह का डेट उसको वकील को मिल जाता है। और आज जब मैं कोर्ट पहुंची तो देखती हूँ एक हफ्ते बाद का डेट मिल गया, तो मैं मेरे मैम को बोली मैम एक हफ्ते बाद का डिवोर्स का डेट क्यों मिला, मैं तो अभी अभी जस्ट एक दिन आई हूँ इसको पिला के, एक हफ्ते बाद का क्यों मिलेगा करके। तो फिर मैम बोलती है, पूछती हुई तो पूछे तो बोले कि नहीं सामने वाली जो पार्टी है वो मांगी है। मेरे को इतना गुस्सा है ना, मैंने सामने वाले पार्टी ने बोला भैया हमको 2 दिन बाद चाहिए तो 2 दिन बाद का डेट सामने वाली पार्टी को मिल जाता है, और हम बोलते तो हमारा अपना सपना मनी 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 पैसा बोलता है और पैसा बोलता है।